हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीडो में फेरियम एक्सटी टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। फेरियम एक्सटी टैबलेट का मुख्यतः तो उपयोग शरीर में मौजूद आयरन की कमी के कारण होने वाली एनीमिया की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए इस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये टैबलेट कैसे काम करती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, इस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस टैबलेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इमक्यूर फार्मास्यूटिकल कंपनी की ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 142 रुपये में आसानी से मिल जाएंगी। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। फेरियम एक्सटी टैबलेट में फेरस एस्कॉर्बेट इक्विवेलेंट टू एलिमेंटल आयरन 100 mg, फॉलिक एसिड IP 1.5 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। यह टैबलेट बॉडी में आयरन की कमी की समस्या दूर कर दिए, जो कि नए रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार यह टैबलेट एनीमिया को खत्म करने में मदद करती है और शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाने में मदद करती है। बात करते हैं इस टैबलेट की यूजेस की, डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस टैबलेट का मुख्य तो उपयोग आयरन की कमी के कारण होने वाली एनीमिया की समस्या दूर करने में, इसे बॉडी में मौजूद खून की कमी की समस्या दूर करने में यूज करते हैं। इसे बॉडी में आयरन की कमी की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इसे फोलिक एसिड की वजह से होने वाले मेगालोब्लास्ट एनीमिया की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इस टैबलेट का उपयोग वीकनेस की समस्या दूर करने के लिए भी किया जाता है। इसे प्रेगनेंसी में खून की कमी की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। गर्भवती महिला को ये टैबलेट अपने मन से घर पर न दे, क्योंकि इस टैबलेट का डोज गर्भवती महिला के स्थिति पर निर्धारित रहता है, इसलिए इसे गर्भवती महिला को हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही दे। बात करते इस टैबलेट के डोसेस के बारे में। आप अपनी समस्या बताकर इस टैबलेट का डोज अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखे दोस्तों, इस टैबलेट को हमेशा अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह से ही यूज करें। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट दिन में एक बार एक निश्चित समय पर अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ले सकते हैं। साइड इफेक्ट, इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको बता के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बता के कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको काला मल आना, कब्ज, दस्त, पेट फूलना, मितली, उल्टी ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियाँ। अगर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का यूज ना करें। अगर आप पहले से कोई अन्य टैबलेट या मेडिसिन ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को अवश्य दें। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई समस्या हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली महिलाएं ये टैबलेट हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से यूज करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन डोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।